हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमटीपी एक्ट 1971 की, जिसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दोस्तों, ये जो एक्ट है ये न केवल अगत तंत्र के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि स्त्री प्रसूति तंत्र के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपका एमटीपी एक्ट आता है, तो इसको हम आज कवर करने वाले हैं। साथ ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ ज़्यादातर अभी क्या हो रहे हैं, एबॉर्शन होते हैं, तो कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है उसका नॉलेज देने के लिए इसको हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमको ध्यान से एमटीपी एक्ट पढ़ना है। इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट में इसको एमटीपी एक्ट को समझाऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों को इसके अंदर याद करना है और लिखना है। बात करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री विच लीगलाइज इंड्यूस अबॉर्शन थ्रू द एमटीपी एक्ट ऑफ 1971। तो इंडिया सबसे पहली कंट्री है जो क्या करती है, लीगलाइज इंड्यूस एबॉर्शन को कराती है अंडर एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर लिखना है आपको कि इस एक्ट के अनुसार महिला लीगली अबॉर्शन करवा सकती है यदि प्रेगनेंसी की वजह से फिजिकल इंजरी होने का रिस्क हो या उसकी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़े। यदि ऐसी कंडीशन है कि फीमेल प्रेग्नेंट है और उस प्रेगनेंसी की वजह से फीमेल की फिजिकल इंजरी हो सकती है या फिर फीमेल की मेंटल हेल्थ पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो एबॉर्शन करवा सकती है अंडर एमटीपी के। सेकेंड वन, यदि किसी मेरिड फीमेल का कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में भी वो एमटीपी के अंदर एबॉर्शन करवा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती है या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लगाए जाते हैं। यदि वो फेल हो जाते हैं तो उसकी एक पॉलिसी होती है कि वो क्या करते हैं, यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको अंडर एमटीपी एक्ट के अंदर वो एबॉर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि रेप की कंडीशन में यदि प्रेग्नेंट हो गई है फीमेल तो उसके अंडर भी वो क्या कर सकती है, एमटीपी एक्ट के अंदर उसको एबॉर्ट करा सकती है। नेक्स्ट देखिए, यदि प्रेग्नेंट वुमन के चाइल्ड में कोई फिजिकल या फिर मेंटल एबनॉर्मलिटी हो तो भी वह एमटीपी एक्ट के अंदर एबॉर्शन करवा सकती है। बहुत सारे बच्चों के अंदर क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम हो जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम हो जाते हैं, तो इन सिंड्रोम की वजह से क्या होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो मेंटली फिजिकली हैंडीकेप रहता है, तो ऐसे बच्चों का सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और ना ही ऐसे सिंड्रोम का कोई ट्रीटमेंट होता है। तो क्या किया जाता है, इनको जब प्रेगनेंसी रहती है तो उसी टाइम पे डिटेक्ट कर लिया जाता है, तो डिटेक्ट होने के पश्चात एमटीपी एक्ट के अंदर इन बच्चों को हम पहले से अबॉर्ट करवा सकते हैं। तो इन सभी स्थितियों में 20 वीक की प्रेगनेंसी का लीगली एबॉर्शन कराया जा सकता है। ध्यान रखना है, 20 वीक की यदि प्रेगनेंसी है तो उसको लीगली आप एबॉर्शन करवा सकते हो, इससे ज़्यादा की प्रेगनेंसी आप एबॉर्ट नहीं करवा सकते इस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये एक्ट आपको समझ में आ रहा है कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, लीगली तरीके से एमटीपी एक्ट के अंदर एबॉर्शन को करवा सकते हैं। किन किन स्थितियों में करवा सकते हैं, यदि प्रेग्नेंट फीमेल की प्रेगनेंसी की वजह से फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़े या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है और प्रेगनेंसी हो गई है तब आप करवा सकते हो, यदि रेप की कंडीशन है तो करवा सकते हो, यदि प्रेग्नेंट वुमन के चाइल्ड में कोई फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी है, कोई भी मेंटल और फिजिकल हैंडीकेप वो हो सकता है आफ्टर प्रेगनेंसी, तो भी उस कंडीशन में आप उसके अंदर एमटीपी एक्ट के अंदर उसको एबॉर्शन करवा सकते हो। और कितनी एज तक करवा सकते हो, 20 वीक की प्रेगनेंसी तक आप क्या कर सकते हो, लीगली एबॉर्शन करवा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट और है कि यदि उस बच्चे की वजह से मदर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है या मदर की वजह से कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी को एबॉर्ट करवा दिया जाता है। तो ये निम्नलिखित चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है। चलिए आगे बात करते हैं, द कंडीशन अंडर विच ए प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अंडर द एमटीपी एक्ट 1971 आर एज फॉलो, कि किन किन कंडीशन में हम क्या करवा सकते हैं, एमटीपी के अंदर एबॉर्शन करवा सकते हैं या फिर टर्मिनेशन करवा सकते हैं प्रेगनेंसी का। तो दोस्तों, जो कंडीशन मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ाई उसी को हम थोड़ी सिस्टेमिक लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जो एक्ट है उसके अंदर जो लैंग्वेज है हम अच्छी यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर हमको नंबर अच्छे देगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है मेडिकल, तो मेडिकल के अंदर लिखना है यदि प्रेगनेंसी की वजह से मदर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रभावित हो। तो ऑलरेडी हमने बात करी है कि यदि प्रेगनेंसी की वजह से फीमेल की मदर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो हम एमटीपी एक्ट के अंदर एबॉर्शन करवा सकते हैं।
सेकेंड देखिए यूजेनिक, यदि चाइल्ड के अंदर कोई फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी हो जो बर्थ के बाद हानिकारक साबित हो, तो ये इस पॉइंट की बात कर ली मैंने अभी बताया आपको इंट्रोडक्शन के अंदर। यदि बच्चे के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या ऐसी कोई घातक बीमारी है जिसकी वजह से जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके पश्चात उसके अंदर फिजिकल या मेंटल हैंडीकैप वह हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको एबॉर्ट कराया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए ह्यूमैनिटेरियन, यदि रेप की कंडीशन हो या मदर मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवता के नाते, तो मानवता के नाते यदि रेप की कंडीशन है या फिर कोई मदर ऐसी है जो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है तो वो उस बच्चे का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करवा सकते हैं, एमटीपी के अंदर उसका एबॉर्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यदि सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण मदर की हेल्थ प्रभावित होने का खतरा हो तो ऐसी कंडीशन में भी एबॉर्शन कराया जा सकता है। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब, सोशल का मतलब होता है कि यदि ऐसी मदर है जिसके पास मतलब लोगों की कमी है या वह उस एनवायरनमेंट को नहीं दे सकती जिस तरह से हम बच्चों को आसानी से मतलब बड़ा कर सकते हैं या उसके ऑल ओवर हेल्थ इशू को ध्यान में रख सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन उसके पास वो पैसा नहीं है जिससे वह बच्चे को और मदर को दोनों को न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में भी उसका एबॉर्शन कराया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तो इसकी मैंने अभी बात करी, यदि जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस रहते हैं वो फेल हो जाते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी एबॉर्शन कराया जा सकता है अंडर एमटीपी एक्ट के अंदर। तो ये निम्नलिखित कंडीशन आपको इसके अंदर लिखना है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वेयर और हु कैन परफॉर्म एबॉर्शन अंडर एमटीपी एक्ट, कि एबॉर्शन कहाँ करवाया जा सकता है और कौन कौन एबॉर्शन को कर सकता है अंडर एमटीपी एक्ट के। तो सबसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज हॉस्पिटल ही एमटीपी करवा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हैं, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, जिनको परमिशन मिली हुई है, वही क्या करवा सकते हैं, एमटीपी के द्वारा एबॉर्शन को करवा सकते हैं। और यदि नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एमटीपी कराना चाहते हैं तो उन्हें चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से लाइसेंस इशू करवाना पड़ता है। तो यदि कोई नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल एमटीपी को अपने इंस्टीट्यूट के अंदर चालू करना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो पता चल गई कि एमटीपी होगा का, या तो गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज हॉस्पिटल के अंदर एमटीपी होगा, या फिर यदि कोई नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्या करना चाहता है, एमटीपी को करवाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा। चलिए ये तो पता चल गया कि कहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कर सकता है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एमटीपी के अंदर एबॉर्शन करवा सकता है जिसे गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक का क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो, साथ ही जिसने 25 एमटीपी देखी हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वही एमटीपी को करवा सकता है जिसको ऑप्स और गायनिक का क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो, साथ ही जिसने 25 एमटीपी देखी हो। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज को यूज़ कर रहा हूँ, यही मेरे को बेस्ट लगती है। आप प्योर हिंदी में भी लिख सकते हैं और प्योर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप यूज़ कर सकते हैं, पर मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि इस तरह की हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज को आपको यूज़ करें तो आपको लिखने में भी आसानी होगी और लगेगा भी अच्छा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इस एक्ट के अंतर्गत 20 वीक के प्रेगनेंसी का एबॉर्शन कराया जा सकता है, लेकिन यदि 12 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो जाए तब टू मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो एमटीपी होता है 20 वीक की प्रेगनेंसी तक ही हम एबॉर्शन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और दे दी है इन्होंने कि यदि 12 वीक की 12 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है तो हमें दो मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन भी साथ में लेना चाहिए, ये भी इसकी कंडीशन है। नेक्स्ट है एमटीपी करने से पहले मदर से रिटन कंसेंट लिया जाता है, और यदि मदर 18 ईयर से कम एज की है तब उसके गार्जियन से रिटन कंसेंट लिया जाता है। तो यहाँ पर बोल दिया है कि यदि एडल्ट मदर है 18 ईयर से ज़्यादा है तो उससे रिटन कंसेंट लिया जाता है, और 18 से कम है तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, उसके पेरेंट्स से, उसकी गार्जियन से रिटन कंसेंट को साइन कराया जाता है, तभी एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है। तो ये निम्नलिखित चीज़ें भी आपको इसके अंदर याद करना है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ एबॉर्शन, कि एबॉर्शन किस किस मेथड से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर दोनों के अंदर देखते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सर्जिकली हम मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन को यूज़ कर सकते हैं।
सक्शन एंड करेटेज का यूज़ कर सकते हैं, डायलेटेशन एंड इवेक्यूएशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में डी एंड ई बोला जाता है उसको यूज़ कर सकते हैं, और मेडिकल के अंदर दो मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, मिफेप्रिस्टोन आईआरयू 486 और मिसोप्रिस्टोल। इसी तरह सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर सर्जिकल के अंदर देखेंगे डायलेटेशन एंड इवेक्यूएशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डी एंड ई, एंड डायलेटेशन एंड एक्सट्रैक्शन जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डी एंड एक्स, और यहाँ पर किया जाता है हिस्टेरेक्टोमी। साथ ही साथ यहाँ पर मेडिकल के अंदर यूज़ किया जाता है इंट्रायूटराइन इंस्टॉलेशन ऑफ हाइपरओस्मोटिक सॉल्यूशन। क्या यूज़ किया जाता है? इंट्रायूटराइन इंस्टॉलेशन ऑफ हाइपरओस्मोटिक सॉल्यूशन। तो चलिए इनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला मेथड है मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन। अब इसके अंदर क्या करना है, इसको 7 वीक से कम की प्रेगनेंसी में प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक थिन ट्यूब सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट करके 50 ml सीरिंज से अटैच करके एम्ब्रियो को सक कर लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन के अंदर 7 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तब यूज़ किया जाता है, एक बहुत ही पतली ट्यूब को सर्विक्स के थ्रू यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और उससे क्या किया जाता है, बाहर से 50 ml की सीरिंज को अटैच करके जो भी एम्ब्रियो का लिक्विड है उसको क्या कर लिया जाता है, सक कर लिया जाता है। सेकेंड देखिए सक्शन एंड करेटेज, इसके अंदर क्या करेंगे, तो मोस्ट कॉमन मेथड, ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज़ करने वाली मेथड है, इसमें भी मेटेलिक डायलेटर का प्रयोग करके सर्विक्स को डायलेट किया जाता है अंडर जनरल एनेस्थीसिया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो मेटेलिक डायलेटर रहते हैं उनको यूज़ करके सर्विक्स को डायलेट किया जाता है और क्या यूज़ किया जाता है उस टाइम पे, जनरल एनेस्थीसिया, और यूट्रस में एक हार्ड ट्यूब या कैनुला इंसर्ट करके उसे हाई प्रेशर सक्शन मशीन से अटैच करके एम्ब्रियो को सक कर लिया जाता है। तो यहाँ पर मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन में हम क्या करेंगे, एक सीरिंज को अटैच करके बाहर एम्ब्रियो को सक कर रहे हैं, लेकिन सक्शन एंड करेटेज के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर एक हार्ड ट्यूब या कैनुला को इंसर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर हम सक्शन के लिए यूज़ करेंगे वो थोड़ा हाई रहेगा, इसलिए थोड़ी हार्ड ट्यूब या कैनुला को इंसर्ट करके एक हाई प्रेशर सक्शन मशीन को यूज़ करके सारे एम्ब्रियो को सक कर लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए डायलेटेशन एंड इवेक्यूएशन, जिसको डी एंड ई बोला जाता है, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ, ये कब यूज़ किया जाता है, तो यह सेकेंड ट्राइमेस्टर में किए जाने वाला मेथड है, जिसमें डायलेटेशन किया जाता है और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्केल्पल फोर्सेप्स आदि के द्वारा फीटस को कट करके यूट्रस से बाहर निकाला जाता है। तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट में कर दिया है मैंने इसको, करना क्या है आपको सिंपल सा लिखना है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूज़ किया जाने वाला मेथड है, इसमें भी क्या करेंगे, सर्विक्स को डायलेट करेंगे, डायलेट करके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं लाइक स्केल्पल हो गया, फोर्सेप्स हो गई, बाकी भी मतलब स्क्रैपिंग करने वाले जो और भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, फीटस को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उसको पकड़ पकड़ के बाहर निकाल लेंगे, ये क्या कहलाता है, डायलेटेशन एंड इवेक्यूएशन। नेक्स्ट बात करते हैं डायलेटेशन एंड एक्सट्रैक्शन की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डी एंड एक्स बोला जाता है। 3 डेज प्रोसीजर, तो 3 दिन का प्रोसीजर होता है। फर्स्ट डे यूज मेडिकेशन लाइक डिजोक्सिन अंडर अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पर पहले दिन हम क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं लाइक डिजोक्सिन, जिसको किसके अंडर देते हैं, अल्ट्रासाउंड को देखते हुए दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है, इंजेक्ट इन फीटल हार्ट फॉर डेथ ऑफ बेबी। तो कहाँ इंजेक्ट किया जाता है, फीटस के हार्ट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि बच्चे की डेथ हो सके। फर्स्ट एंड सेकेंड डे ऑल्सो यूज मिसोप्रिस्टोल फॉर सर्विस स्ट्रेचिंग एंड डायलेटेशन। तो यहाँ पर जो मेडिसिन दी है हमने डाइजोक्सिन बच्चे के हार्ट के अंदर, उसके साथ साथ में फर्स्ट और सेकेंड डे पर मिसोप्रिस्टोल भी देते रहते हैं ताकि सर्विक्स जो हो प्रॉपर रूप से स्ट्रेच हो जाए और डायलेट हो जाए। थर्ड डे एमनियोटिक सैक ब्रश्ड एंड ड्रेन। तो थर्ड डे क्या होता है, जो एमनियोटिक सैक होता है वो फूटता है और ड्रेन हो जाता है। रिमेनिंग प्रोसीजर सिमिलर टू द डी एंड ई प्रोसीजर। तो बाकी जो प्रोसीजर रहेगी, हमने जो डी एंड ई अभी पढ़ा है उसके समान रहेगी। आगे बात करते हैं मिफेप्रिस्टोन आरयू 486 एंड मिसोप्रिस्टोल। यह मेडिसिन भी 49th डे की प्रेगनेंसी के अबॉर्शन के लिए दी जाती है। तो यहाँ पर 49th डे तक की प्रेगनेंसी हो रही है या फिर 7 वीक तक की अगर प्रेगनेंसी है तो उसके लिए यह मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। अब इसमें भी दो रेजिमेन है, दो तरह से हम दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि फर्स्ट डे हम 600 mg मिफेप्रिस्टोन ओरली दे दें और थर्ड डे 400 mg मिसोप्रिस्टोल ओरली दे दें, या फिर सेकंड है कि फर्स्ट डे 200 mg मिफेप्रिस्टोन दे दें ओरली और थर्ड डे
800 mg हमारा 800 μg मीसोप्रिस्टोल वजाइनली दे दें, तो इससे क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने जो ऑल ओवर मेथड थे उनको ऑलरेडी पहले समराइज कर लिया था, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थे उनको डिटेल में भी पढ़ लिया है। इतना MTP एक्ट के अंदर आप लिख देंगे तो ये सफिशियंट है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समिट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।